हेलो दोस्तों, मैं बुध रंजन स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल यांत्रिक बुध पर। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लायर्स। आप इसको थोड़ा बहुत देखे होंगे व यूज किए होंगे। लोकल बोलचाल में इसको प्लास का नाम में जानते हैं, मगर इसका सही नाम है प्लायर्स। प्लायर्स एक मल्टीपर्पज टूल है जिसके द्वारा हम जॉब को पकड़ सकते हैं, तार को पकड़ सकते हैं, काट भी सकते हैं, छील भी सकते हैं और बोड़ भी सकते हैं। इसका मुख्यतः तीन पार्ट पार्ट होता है। एक है हैंडल, रिवेट या रिवेट जॉइंट, और तीसरा है जॉ। इसको जॉ को हार्डनिंग या टेम्परिंग द्वारा मजबूती प्राप्त किया जाता है। इसका हैंडल को प्लास्टिक के कवर द्वारा इंसुलेटेड किया जाता है, और इसका मटेरियल है ये कार्बन स्टील का बना जाता है। और इसका साइज जानने से, साइज मतलब इसका फुल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका उपयोग को लेके बहुत प्रकार में बांटा गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में, कितना टाइप्स का ये प्लायर्स होता है। जानने से पहले मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल यांत्रिक बुलु को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए एंड जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए एंड मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। सबसे ज़्यादा यूज होने वाले प्लायर है कॉम्बिनेशन प्लायर, ये है कॉम्बिनेशन प्लायर। इसका जो हैंडल है ये प्लास्टिक का कवर द्वारा इंसुलेटेड किया गया है, और इसका जो मुख्यतः तो तीन भाग में बांटा गया है। तीन भाग में पहला भागा चेप्टा किया गया है, ये फ्लैट जॉब को पकड़ने में आसान होता है। इसमें ग्रुप भी बना देता है, ग्रुप ये जो है ये जॉब को पकड़ रखने में मदद मिलता है। और इसके बाद वाला भाग ये इसमें जो है ये बना गया है, मतलब सिलिंड्रिकल बना गया है, ये सिलिंड्रिकली जॉब को पकड़ने में आसान होता है। इसमें भी ग्रुप बना गया है। इसके बाद वाला भाग है साइड कटर। साइड कटर को बिजली का तार को काटने, जैसे बिजली का तार को काटने या छीलने का मदद होता है। और ये होता है जॉइंट कटर। जॉइंट कटर में हम लोग कोई आयरन का तार को काटने में मदद होता है। इसके बाद में होता है लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर ये जो ये होता है, क्या होता है, इसका जो जॉ होता है वो नुकीला और पतला होता है, जो कि कम स्पेस में काम कर सकता है। जहाँ हमको कोई कम स्पेस में नॉट को खोलना और कसने का यूज होता है, ये लॉन्ग नोज प्लायर यूज होता है। इसमें भी साइड कटर होता है जो तार को, बिजली का तार को काटने या छीलने में यूज होता है। और एक किस कितना जगह में जो सरक्लिप होता है, सरक्लिप उसको निकालने या फिट करने में, जो सेट करने में भी यूज होता है। और कोई कोई जगह वाशर को भी यूज करने में भी, ये जहाँ स्पेस कम होता है वाशर को भी सेट करने में भी मदद मिलता है। इसके बाद में फ्लैट नोज प्लायर। सॉरी दोस्तों, मेरे पास तो फ्लैट नोज का प्लायर नहीं है, मगर यही लॉन्ग नोज प्लायर जैसे होता है, मगर ये पोजिशन फ्लैट होता है। ये फ्लैट जॉब को पकड़ने और मोड़ने जैसे यूज होता है। अगला है राउंड नोज प्लायर। सॉरी दोस्तों, मेरे पास भी राउंड नोज का भी प्लायर नहीं है, मगर ये जैसे राउंड नोज प्लायर होता है इसी टाइप का होता है, मगर ये जो फ्लैट है गोल, ये पूरा गोल होता है, फुल गोल होता है। इसको तारों को गोल मोड़ने में मदद होता है। कभी कभी सर्किल में भी यूज होता है, सर्किल को सेट करने या रिमूव करने में भी यूज। अगला है साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग प्लायर इसका साइड में दोनों जो कटिंग एड्ज बना जाता है, ये जो तार को काट, आयरन तार को भी काटने में, और पतली जो शीट होता है कोई भी मेटल का है, आयरन कॉपर या एल्यूमिनियम का, इसको काटने में होता है। दोस्तों अगला है स्लिप जॉइंट प्लायर। स्लिप जॉइंट प्लायर इसका जो जॉइंट होता है उसमें दो होल होता है, जिसमें कि हम उसका ओपनिंग का स्पेस को दोनों एडजस्ट करके ओपनिंग का स्पेस को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। उसके बाद है मल्टी ग्रिप प्लायर। मल्टी ग्रिप प्लायर भी वो स्लिप जॉइंट प्लायर का और एक रूप है, मतलब इसमें सात होल बना जाता है। वो होल जो होता है स्लिप जॉइंट उसका, इसका दो रहता है, इसमें स्लिप जॉइंट में सात रहता है। वो उसका ओपनिंग स्पेस को बढ़ाया जा सकता है जितना, ये प्लम्बर का काम में मेनली यूज होता है। दोस्तों अगला है पिंसर प्लायर। पिंसर प्लायर मुख्यतः ये कारपेंटर शॉप में यूज होता है। वो जो
इसका जो जॉ होता है इसे राउंड टाइप का होता है, जैसे पकड़ने में कोई कैंटी को पकड़ के वो खाने में आसान होता है। ये मुख्यतः तो कारपेंटर शब्द कारपेंटर काम में यूज होता है। उसके बाद आता है ग्रिप प्लायर। ग्रिप प्लायर एक एक्स्ट्रा, इसमें एक स्प्रिंग एडेड होता है, स्प्रिंग लोडेड, जो कि एक जॉब को एक अतिरिक्त टेंशन देता है। वो तो मेरे पास नहीं है, मगर मैं उसका फिगर जो है इसमें कोशिश करेगा कि वीडियो के साथ अटैच करने के लिए। वो एक एक्स्ट्रा ग्रिप देता है जिसको कि जो वर्कर है उसको आसान होता है कोई जॉब को पकड़ने में। उसके बाद आता है सर्किल प्लायर। सर्किल प्लायर इसका नाम में भी आप जान सकते हैं कि नाम है सर्किल प्लायर, इसका सर्किल को खोलने और सेट करने में यूज होता है। सर्किल दो टाइप का होता है, सर्किल एक होता है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। दोनों को, दोनों प्लायर भी उसी तरह होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। वो दोनों को उसका सर्किल में एंड दो होल होता है, उसमें प्लायर का जॉ को सेट करके जो एक्सटर्नल इंटरनल उसको रिमूव करके फिर सेट करने में उसी को यूज होता है। थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।